मेन टाउन में मुबैना ज्यादती के बाद 7 साल का बच्चा कत्ल कर दिया गया। बागड़िया में खाली मकान में बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया। इंसानियत शर्मसार, 7 बरस का एक और मासूम बच्चा दरिंदगी का शिकार। किसने तुम्हारे सामने उसके साथ ज्यादती की? जी, तो उसके बाद तुमने भी की? नहीं, मैंने भी की। और इसने? इसने भी सारे एक बार की। 3 शैतान नन्हे फरिश्ते को बार बार बनाते रहे जिंसी हवस का निशाना। जो चादर थी, जो मैट्रेस के ऊपर जो रजाई थी, वो चीजें जिससे कि उसका जो है उसकी आवाज दबाने के लिए जो उन्होंने यूज किया होगा, वो तमाम चीजें हमने फोन आलूद यहाँ से ही रिकवर की है। कब से बच्चे को कत्ल करके रचाया गया कौन सा ड्रामा? लाश तुम उठा के लेके गए थे? जी, मैं बॉडी को मैं लेके गया था। उस्ताद की घर। क्या कहने के लिए? ये एक्सीडेंट हुआ, मैं कब से देख रहा हूँ, मैं क्या करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कोने में, मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, हम इस प्लेटफॉर्म से कई बार इस मौजू को ज़ेर बहस ला चुके हैं, और जब भी बच्चे के साथ ज़्यादती का वक़ूअ होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम ना सिर्फ उस केस को रिपोर्ट करें बल्कि लोगों को एजुकेट भी कर सकें, लोगों को बता सकें कि इस तरह के जो वाक़ियात हैं, इन वाक़ियात से हमने डरना नहीं है, हमने इनका मुकाबला करना है और इनसे हमने बचना है। किस तरह से बचा जा सकता है, हम कोशिश करते हैं हर दफ़ा आपको एजुकेट कर सकें, और आज भी हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा एक 7 साल का बच्चा एहसान अली, मासूम बच्चा, अपने माँ बाप का लगते जिगर, घर से निकलता है किसी काम के सिलसिले में। ज़ाहिर है बच्चे घर से निकलते हैं खेलने के लिए, कोई बाज़ार में किसी दुकान पर कोई चीज़ लेने जाते हैं बच्चे। ज़ाहिर है बच्चों को घर में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे मुआशरे के जो नासूर हैं वो जगह जगह बैठे हुए हैं, हर गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, जो कि बच्चों को इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बच्चे घर से निकलें, उन्हें पकड़ें, उनके साथ ज़्यादती करें। और फिर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, ज़्यादती करने के बाद अपना हक समझते हैं कि सिर्फ अपना गुनाह छुपाने के लिए उन बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, और ऐसा ही हो रहा है। लाहौर शहर के जो फिगर्स हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। लाहौर शहर में इस साल 200 से ज़ायद ऐसे वाकयात हो चुके हुए हैं जो कि सिर्फ 10 साल से कम उम्र बच्चे और बच्चियों के साथ हो चुके हुए हैं। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो ये तकरीबन 1300-1350 के करीब ये केसेस हो चुके हुए हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कहां पे कमी है, कहां पे हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है? मीडिया अपना फ़र्ज अदा कर रहा है, मीडिया जो अवेयरनेस है वो देने की कोशिश कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, सोसाइटी के डिफरेंट जो लोग हैं वो ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये केसेस कम होने की बजाय कहीं ना कहीं ये बढ़ रहे हैं? जिंसी दरिंदे शहर भर में घात लगाए बैठे हैं, मासूम बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं, वालदैन खौफजदा हैं। शहर लाहौर में एक बार फिर एक और मासूम जिंसी दरिंदों का शिकार बना है। कैसे मासूम बच्चे को वरगला कर बनाया गया हवस का निशाना? क्या रचाई थी बच्चे के मोहल्लेदार ने ही साजिश? कैसे जिंसी दरिंदों के ग्रोह ने 7 बरस के मासूम को बनाया इज्तमाई ज्यादती का निशाना? क्या कमसिन बच्चे को बार बार हवस का निशाना बनाया गया? कैसे ज्यादती के बाद नन्ही जान को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया? कत्ल करने के बाद मुलजिमान ने रचाया कौन सा ड्रामा? खून में लथपथ बेटे को बाप जब अस्पताल लेकर गया तो खुला कौन सा राज? वालदैन लाजमी देखें आज का प्रोग्राम, कैसे मासूम बच्चे जिंसी दरिंदों का बनते हैं शिकार? कैसे वालदैन अपने बच्चों को बचा सकते हैं इन शैतानों से? मुजरिम कौन? ग्रीन टाउन के इलाके में मैं उस घर में मौजूद हूँ, उस बदकिस्मत घर में मौजूद हूँ जहाँ पे ये क़यामत टूटी। एहसान अली महज उसकी उम्र 6-7 साल थी, अपने माँ बाप का लगते जिगर था, बड़ा प्यारा बच्चा था। बाप मेहनत मजदूरी करता है, कबाड़िए का वो काम करता है मेहनत में, और ज़ाहिर है कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस बाप का वीन कुछ और था, इस बच्चे को कुछ बनाना चाहता था, वो इसलिए बच्चे को पढ़ा रहा था। अपने माली हालात तंग हैं लेकिन अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अल्लाह ने इसे इतना शौर दिया हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके इस लगते जिगर को इतने बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाएगा, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं है बल्कि इनका अपना हमसाया अदनान इनका नाम है। इनसे बात करते हैं। अदनान साहब, आप उस वक्त घर पे मौजूद थे या ज़ाहिर है काम का वक्त था, काम पे गए हुए थे? घर पे कौन था, किसे पता था कि बच्चा घर से गया हुआ है किसी काम के लिए? मैं घर में था, सो रहा था। अच्छा, मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, एक भाई गया हुआ था पुलिस की नौकरी के लिए। ठीक है। ये लड़का आया फराज, इसने घर से पूछा है आमिर भाई कहाँ पे है, उन्होंने कहा अस्पताल गए हैं। शानी भाई वो गए हुए हैं वाल्टन, मेरा पूछा उन्होंने कहा वो सो रहे हैं।
फिर आया, फिर इसने पूछा, फिर तीसरी दफ़ा आया, बच्चे को नहलाया दिलाया, कपड़े पहनाए थे, वो बाहर निकला चीज़ लेने के लिए, अंदर से देख के ये बाहर आया और बच्चा जो है ना यहाँ पे खेल रहा था बच्चों के साथ, उसने कहा मैं भी चीज़ लेने जा रहा हूँ, आजा चीज़ लेने चलें। मुलजिम मासूम बच्चे को लालच देकर अपने साथ ले गया। कोई नहीं जानता था कि मासूम बच्चे को वरगलाकर साथ ले जाने वाले के इरादे क्या हैं। सबसे पहले बात करें एहसान के बारे में, एहसान को किसने ज्यादती का निशाना बनाया, किस तरह से बनाया, कैसे कत्ल किया, ये पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये सदर डिवीजन की ख़ास तौर पे, क्योंकि ये डायरेक्टली पुलिस के पास केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन सदर डिवीजन ने और इन्वेस्टिगेशन ने ये खुद से टेकअप किया और ख़ुद से टेकअप करने के बाद अब इन मुलजिमान को गिरफ़्तार किया है और ये सारे मामला आगे चल रहे हैं। मेरे साथ ईसा खान सगैरा साहब हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन है सदर डिवीजन के, हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने और इनकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और इन मुलजिमान को गिरफ़्तार भी किया है और अब केस का क्या स्टेटस है वो हम इनसे जानते हैं। ईसा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बताइएगा, ये पुलिस के पास डायरेक्टली केस रिपोर्ट नहीं हुआ, आपको किसी ने आके नहीं कहा जी हमारे बच्चे के साथ ज्यादती हो गई है, उसे कत्ल कर दिया गया, तो किस तरह से पुलिस को पता चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ इस केस के बारे में लोगों तक पहुँचा सकूँ और दूसरी बात ये कि लोगों को एजुकेट कर सकूँ। सबसे पहले ये केस रिपोर्ट कैसे होता है, हमारे पास कोई 15 की कॉल नहीं थी, कोई कंप्लेनेंट हमारे पास नहीं था, हमने ये केस को खुद टेकअप किया। कैसे? जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर हमारा जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो एक केस में मौजूद था, ऑलरेडी वहाँ पे थे। एक डेड बॉडी वहाँ पे पहुँचती है एहसान की, जिसकी उम्र 7 से 8 साल के दरमियान है, उसका वालिद साथ होता है और साथ एक और बच्चा होता है जो कि 14 से 15 साल का है, जो कि बाद में टर्न आउट के वो भी एक एक्यूज था। वहाँ पर ये बताया जाता है जिन्ना हॉस्पिटल में कि जी एक्सीडेंटल डेथ हुई है और बच्चे का बाप भी इस बारे में कन्विंस्ड था। जब इस डेड बॉडी के बारे में हमारे जांच इन्वेस्टिगेशन को पता चलता है और वो उसको देखते हैं तो सरसरी मुलायजे से उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। कैसे नन्हे फरिश्ते को किया गया था कत्ल, पुलिस को खून में लथपथ मासूम बच्चे की लाश देकर कैसे अंदाजा हुआ कि हादसा नहीं बल्कि एक दर्दनाक कत्ल है। अभी तफ्तीश का आगाज हुआ था, पुलिस कत्ल की तहकीकात कर रही थी कि टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। मेन टाउन में मुबैना ज्यादती के बाद 7 साल बच्चा कत्ल कर दिया गया। बागड़िया में खाली मकान में बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया, इलाका मखेन की जानिब से यह बताया जा रहा है। इस खबर ने पूरे शहर को कर दिया खौफ सदा, इलाका मकीन घरों से निकलकर जाए वकुआ के पास इकट्ठे हो गए, मासूम बच्चे के कत्ल का इंसाफ मांगा जाने लगा। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से भी अमला जाए वकुआ पर पहुंच चुका था, पुलिस अभी शवाहिद इकट्ठे कर रही थी। एक मुलजिम पुलिस की हिरासत में था, जब कहानी खुली तो दिल दहला देने वाले राज सामने आए। एहसान 7 साल बच्चे के कत्ल के जो मुलजिमान हैं, ज्यादती की गई बाद में कत्ल किया गया, इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। तीनों हमारे साथ हैं, हम तीनों से बात करेंगे। एक का नाम आमिर है, एक इफराज है और एक उसका बड़ा भाई है। ये इफराज जो है ये इस बच्चे को बरगला के बहला के फुसला के ये ऊपर लेके जाता है, उसके बाद उसके साथ ज्यादती की जाती है। तो हम तीनों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं इफराज से बात करूँगी। इफराज सबसे पहले मुझे बता, तुम्हारी उम्र कितनी? 14 साल। ऊंची बोलो। 14 साल। 14 साल है तुम्हारी उम्र। क्या काम करते हो? उस्ताद था मेरे, इसी उम्र काम करते थे। नहीं, ये इसी अदनान जो है ये उस्ताद है जिसके बच्चे को मारा है जी। बच्चे को तुमने कहाँ पे देखा था उस दिन? सर मैं तुम्हारे उधर से आ रहा था घर, ठीक है, तो बच्चा बिस्किट लेके आगे से आ रहा था, कहता कि तेरा भाई क्या है। मैंने कहा वो नहाता ऊपर है ना, ऊपर मोटर लगी, मैंने कहा ऊपर होगा, ऊपर चले गया वो, ऊपर गया मैं कपड़े पहन के उस्ताद के घर गया, मैंने काम किया था, मैंने पैसे लेने थे खर्चा, ठीक है। बाजी कहती घंटे को बाद आ जाइए, विस्तार सोया। मैंने कहा ठीक है। जब मैं घर से वापस आया उस्ताद के, तो आप ही मेरी चिल्ला रही थी, शोर में जाकर मुझे बुला रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, खैर है? तो ऊपर देखा ये था सर और ये थे, इसने बच्चे को शीशा था, पता नहीं इसके हाथ में लंबा सा था, ये उससे मार रहा था, इसके हाथ में शीशा मैंने देखा था सर, ठीक है। तो उसने टांगे पकड़ी हुई थी नीचे से मेरे, इसने भाई ने टांगे पकड़ी हुई थी नीचे से। नहीं, बच्चे को तो तुम लेके गए ऊपर?
बच्चे ऊपर गया सर। ऊपर बच्चे को तुम लेके गए हो? जी। उससे पहले तुम अदनान के अपने उस्ताद के घर पे गए हो, पूछते रहे हो कि घर पे कौन कौन है, उसके बाद बच्चे को तुम ऊपर लेके गए हो। ऊपर तुम किस नियत से लेके गए थे? सर मैं बता रहा हूँ, बिस्किट लेके आ रहा था बच्चा। वो तो बिस्किट लेके आ गया ना, उसके बाद इसने तुम्हें कहा था या इसने कहा था कि बच्चे को लेके आ और उसके साथ ये ज्यादती करनी? इसने सारी इसने कहा था, फिर इसने इसने कहा था इसने। और भाई भी तुम्हारा ये भी ऊपर था? जी ये भी था, ऊपर था ना, सोया हुआ था ये। हाँ। नीचे आके इसने बुलाया था। ठीक है सर। अच्छा, इसके कहने पे बच्चे को ऊपर लेके गए थे? इसने क्या कहा था, क्यों बच्चे को लेके आना? इसने सर कहा था कि ऐसे जाओ बच्चे को ऊपर लेके, उसके लिए गंदे काम करते। शैतान पहले से घात लगाए बैठे थे। मासूम बच्चे को वरगलाने से पहले ही साजिश के सारे जाल बुने जा चुके थे। 7 बरस के कमसिन बच्चे के साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार की गई जिंसी ज्यादती। हवस के पुजारियों ने नन्हे एहसान को बार बार अपनी हवस का निशाना बनाया। इससे बढ़कर क्या जुल्म हो सकता था जो अब सफा कातिल बच्चे की जिंदगी के दुश्मन बन गए। इफराज लेके गए? इफराज लेके गए। अच्छा। और तकरीबन कम से कम ना मेरे ख्याल कोई 1.5 घंटा या घंटा या 1.5 घंटा तकरीबन इसके एड गेट बच्चा गायब था। मैंने कहा बाहर खेलता होगा, मैं उठाऊँ तो मैं बाहर आके देखा नहीं आया था। मैं चीज़ वाली दुकान पे जा रहा हूँ देखने के लिए, और वो जो घर बंद था ना वहाँ से अंदर रोने की आवाज़ आ रही थी बच्चे की। बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी? आपके बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी? जी। मैंने ना वैसे देखा, मैंने कहा ये तो घर बंद है, क्या चक्कर है। मैंने जब देखा है ना तो मेरा बच्चा खून से भरा हुआ था, और जो फराज है ना वो ऊपर द्वार के ऊपर छत पे नजर आया मुझे, और 2 बंदे और थे जो भाग गए थे पहले ही, तो फराज भी जो है ना उस साइड पे उतर गया। मैंने बच्चे को उठाया तो हॉस्पिटल ले गया हूँ जल्दी जल्दी में। बेबस बाप ने खुद अपने लखते जिगर को खून में लथपथ देखा था। उसे नहीं मालूम था कि शैतानों ने उसके नन्हे फरिश्ते पर क्या कयामत ढाई है। फिर तुम ऊपर लेके गए बच्चे को, इसने तुम्हारे सामने उसके साथ ज्यादती की जी, तो उसके बाद तुमने भी की? नहीं मैंने भी की थी। तुमने भी की थी? इसने 2 बार की थी जी, उसके बाद तुमने एक दफा की जी, और इसने? इसने भी सारे एक बार की थी। इसने भी एक बार की? तीनों ने की है। अच्छा, जब 2 बार ज्यादती की, तुमने एक बार की, उसने एक बार की, उसके बाद बच्चे को जाने क्यों नहीं दिया, मारा क्यों? सारी इसने उसके बाद इसके हाथ में कांच था लंबा, इसने उसकी गर्दन पे कांच मारा। ठीक है। और इसने लाते उठाई क्यों मारा? सारी इसको पता है, इसने लाते उठाई। नहीं तुमने रोका क्यों नहीं उसे? सर मैं चला गया था, जब इसने कांच मारा था ना मैं चला गया था, तो फिर उसने लाते उठाई नीचे से इसने बॉडी। सही सही बताओ, अब इसके साथ बच्चे के साथ पहली दफा ज्यादती किया या पहले भी की? पहली दफा सर आज की है। जब आज पहली दफा की? उससे पहले कब की थी? उससे पहले कभी नहीं की। सिर्फ इस बच्चे के साथ तो नहीं की ना, इससे पहले किस किस के साथ की हुई? इससे पहले सर किसी के साथ भी नहीं है। इसका भांजा ही अपने भांजे के साथ भी करता है गंदे काम। अच्छा, ठीक है। तुमने देखा कभी? जी मैं 1-2 दफा इसके घर गई हूं, करता। अच्छा, सोया होता था उसके, करता था उसके लिए गंदे काम, उसके साथ गंदे काम करता है। और ये तुम्हारा भाई, इसने किसके साथ की इससे पहले? इसलिए किसी के साथ नहीं करता था सर। अच्छा, तो जब ज्यादती कर ली, अब तुम्हें पता भी था कि हमसाया मेरा उस्ताद है उसका बेटा है, तो इसे रोका क्यों नहीं कि मार क्यों रहे? सर वो बता रहा हूं मैं चला गया था। इसके हाथ में क्या, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या? अरबाज। अरबाज तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तुम इसके भाई हो फराज के बड़े? जी सर, मैं इसका बड़ा भाई। ये हाथ में क्या हुआ? इस सर ये बच्चे को मार रहा था मैं, उसे कौन मार रहा था? ये लड़का ये मार रहा था। जी सर ये मार रहा था। उस वक्त ज्यादती कर चुके थे? ज्यादती सर इसने कर। तुमने भी की थी? तुमने की है ना ज्यादती? मैंने नहीं। ये तुम्हारा भाई है, झूठ बोलेगा? ये कह रहे कि ज्यादती की? एक बार इसने ज्यादती की, इसका मतलब है तुमने आगाज ही बात का झूठ से की है। तुम्हारा भाई तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे सामने बता रहा है कि इसने ज्यादती की। हाँ मेडिकल हो गए हुए हैं सारे, झूठ सारे सामने आ जाने। अच्छा, एक दफ़ा जब ज्यादती कर ली, 2 दफ़ा उसने कर ली, 1 दफ़ा इसने कर ली, 1 दफ़ा तुमने कर ली, उसके बाद बच्चे को मारा क्यों? तुम उसे बचा रहे थे? जी सर, ये तुम्हारे हाथ में वो शीशा सर, था मैं उसे तुमने मारा उसे? सर ये मार रहा था मैं उसे बचा रहा था, मैं ऐसे कह रहा नहीं। अच्छा फिर बचा क्यों नहीं पाया? मेरे हाथ पे लग, सर ये मेरे भाई को ही मारने लगा था। जिंसी दरिंदा अब खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। इस शैतान के हाथ पर शीशे से कट लगा हुआ है, अभी तो कई हकायक सामने आना बाकी हैं। बाद में आपको कैसे पता चला कि ये यही बच्चा जो आपका हमसाया भी है इफराज है, 14-15 साल का, गालिबन आपके पास काम भी करता जी, और इसने ये सब कुछ किया, कैसे पता? ये वहाँ पे आए यकूब साहब ग्रीन डॉन थाने से। ठीक है, वो वहाँ अस्पताल में मौजूद थे पहले? जी वो वहाँ पे आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये मर्डर केस है, फिर उन्होंने कहा ये जो बच्चा है कैसे कैसे मिला, ऐसे ऐसे उसको बताया मैंने सारा। उन्होंने उस फराज को उसी टाइम पकड़ लिया और वो मान भी गया उसी टाइम,
इफ्राज ने क्या स्टेटमेंट दी थी, क्या बयान दिया? उसने कहा जी हमने मारा है, ठीक है। अच्छा, किसका नाम लिया उसने? अपना नाम लिया, और उसने एक वो अल्लाह रखा जो नाम है ना लड़के का आमिर, उसका नाम लिया। हाँ, उसका नाम लिया जी, लेकिन वो मौके पे मौजूद नहीं, वो मौके पे मौजूद नहीं था। उसके घर वाले कह रहे हैं उसके पास 7 बजे से गया। इसमें दो लोग हैं पुलिस कह रही है, तो एक तो इफ्राज हो गया, दूसरा आमिर का नाम लिया ना अल्लाह रखे का, वो रात को 8 बजे आया जब, ठीक है। उसने आगे पूछा, उसका तो नाम ले लिया ना इसने मुल्ज़िम। हाँ, ने मुल्ज़िम बच्चा है, छोटा लेकिन बड़ा तेज तरार है, बड़ा शातिर इंसान है। लेकिन आपके नजर में दूसरा कौन है? इफ्राज का भाई है, इफ्राज का भाई है, एक उसका वालिद है। उसका नाम क्या है? अरबाज उसका भाई है, और एक उसका वालिद है, वो शबाल है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि इन तीनों ने मिलके पहले बच्चे को भेजा इफ्राज को, उसने तसल्ली की घर में को मर्द मौजूद नहीं है, उसके बाद बच्चे को ऊपर बुला के इन तीनों ने, दो भाइयों ने और बाप ने मिलके इसी कमरे में ज्यादती की। बिल्कुल ऐसे, तीनों ने बारी बारी ज्यादती की जी, और उसके बाद कत्ल किया। बिल्कुल ऐसे, और लाश फिर ऊपर से फेंकी? नहीं, ला के नीचे रखी है इन्होंने, ला के नीचे ऊपर से फेंकी है, ये वो ही बता सकता है। बाप नहीं जानता था कि उसके लखते जिगर पर क्या कयामत टूटी है, किस तरह शातिर मुलजिमान ने कत्ल की वारदात को हादसा करार देने की कोशिश की। काफी डर गए थे हम, ये फिर ये कहता जल्दी जा उधर, उन्हें कहा एक्सीडेंट हो गया, ये फिर नीचे गया, इसने ताला तोड़ा। लाश किसने फेंकी थी नीचे? लाश इसने फेंकी थी। कितने कट लगाए, कितने वार किए उसके गर्दन पे? सर ये इसने मारा था, ये एक मारा दफा था। तो नहीं मारा ना? मैं मेरे भी हाथ पे लगता रहा, एक मैं दफा तो नहीं मारा ना, बार बार मारा होगा जी सर, बार बार ये मारता रहा। ये सब ने मिलके मनसूबाबंदी की थी कि और सर लेके आना है, ये इसकी दुश्मनी थी, मैंने बच्चे के बाप को बताया। जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ जी, इसने इसे कहा बच्चे को लेके आना है, तुम भी ऊपर मौजूद थे, तीनों ने पहले मनसूबाबंदी की थी कि आज बच्चे के साथ ज्यादती करनी? नहीं सर। तो तुमने नीचे था, तुमने क्यों? मैंने नहीं की ज्यादती सर। क्यों झूठ बोल रहे हो? ये तुम्हारा भाई क्यों झूठ बोलेगा, तुम्हारे खिलाफ क्यों बयान देगा? सर उसने ज्यादती की है, बताओ। ये तो कह रहा मैंने की नहीं है, झूठ बोल रहे हो सर। एक बार ज्यादती इसने की थी, एक बार की थी इसने, इसने कांच मार की थी जी, तो फिर इसने लाते उठे बॉडी को, इसने नीचे फेंका तो ऊपर से यूं दरवाजे। तुमने कितने बार किए थे भाई उसके गर्दन पे, तुमने कितने बार किए? सर जी मैं काम पे था, रात को मैं 8 बजे आया हूँ, सुबह 9 बजे के। तो रात 8 बजे आए हो? हाँ जी। तुम वहाँ मौके पे थे ही नहीं? मैं नहीं। तुमने ज्यादती भी नहीं की? नहीं। तुमने कत्ल भी नहीं किया? नहीं। तो ये इन सबसे क्या दुश्मनी है, तुम्हारा नाम क्यों ले रहे हैं? पता नहीं सर जी, मुझे नहीं समझ। तुम काम पे थे, इसका क्या सबूत है तुम काम पे थे? वो जहाँ मैं काम कर रहा था उधर से जाके पूछे। अरबाज खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो सारा इल्जाम दूसरे मुलजिम के सर डाल रहा है। क्या मुलजिमान की मासूम बच्चे के बाप से कोई दुश्मनी थी? क्यों बार बार नन्नी जान को ज्यादती का निशाना बनाया गया? तो ये आपके हमसाए हैं, कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 30 साल से रह रहे हैं। और ये भी लोग कितने सालों से रह रहे हैं? तो इतना पुराना गहरा तल्लुक, बच्चा जाहिर है 7 साल हो गए हैं, इसी घर में पैदा हुआ, पल बढ़ के 7 साल का हो गया, इससे पहले तो कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, बच्चे ने कभी आके बताया हो कि यार ये लोग हैं इनको अच्छी नीयत अच्छी नज़र नहीं है लोगों की, ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं? अगर पता होता तो ये पहले से ही मैं कुछ इसका करता। हाँ। इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ऐसा मालूम ही नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है। अच्छा, जैसे उन्होंने किया है। और वो बच्चा तो इधर आपकी तरफ ज्यादा रहता है जो मुलजिम है इफ्राज, मेरे घर से रोटी खाता है, मैंने ईद के कपड़े लेके देता हूँ, जूती ईद पे 1000 रुपया देता हूँ उसको। और आपको पता नहीं था कि आप? मुझे पता ही नहीं था। और का सांप है, इतवार वाले दिन ये काम हुआ, हफ्ते की रात वो रोटी खा के गया है, 100 रुपया लेके गया है और चाय पी के गया मेरे घर से रात को 10 बजे। आपको क्या लगता है नान साहब, आपसे अब मौका ऐसा है, आप जाहिर खुद परेशान है सदमे में है, लेकिन ये सवाल भी जरूरी है कि एक ये मुलजिम यहीं पे रहता है, खाता पीता है, सब कुछ है, इतने साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ होगा, इसकी नीयत खराब होगी, ये समझ नहीं लग रही? अगर अब इनके घर में कोई मसला होता है ना, कोई लेन देन वाला कोई भी बंदा आप आता मदद है। करते हैं? हाँ, मैं साथ जाके थाने तक भी गया हूँ काफी दफा, इसका दादा फोत हुआ है, कफन दफन का मैंने इंतजाम किया था, ठीक, और टेंटों का भी खर्चा मैंने दिया था। हाँ। तो ये समझ नहीं लग रही, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कोई दुश्मनी, ये इन्होंने क्यों किया? बाप को नहीं मालूम उसके लखते जिगर पर कयामत क्यों ढाई गई, क्यों शैतानों ने इस फूल जैसे मासूम बच्चे को मसला है। पुलिस की तफ्तीश किस मरहले पर पहुंची है? अभी तफ्तीश के कई मराहिल तय होना बाकी हैं। जाए वकुआ के मनाजिर आपको दिखाएंगे, हकायक आपके सामने रखेंगे। अभी जरा इन सफाक कातिलों की बात सुनिए, ये कैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आई तुम उससे उस्ताद के घर खाते पीते भी हो, वहाँ पे काम भी करते हो, तुम्हारे वो छोटे भाइयों की तरह था,
हाँ, तुम्हारी उम्र अभी कितनी, 14 साल तुम बता रहे हो, कत्ल तुम कर रहे हो, ज्यादती बच्चों के साथ तुम कर रहे हो, उसके बाद तुम इतने पक्के इंसान हो कि तुम लाश उठा के और तुम उसके घर पे छोड़ने जा रहे हो, तुम इतनी उम्र में तुमने ये सब कुछ करना शुरू कर दी। हाँ सर, इसने कहा था मुझे, ये छत पे बैठा किया तो तुमने है ना, उसने कहा था किया तुमने है ना सर, इसने किया, लाश को तुमने उठाया ना, मैं उठा के ले गया था, कहा उसने, उसके कहने पे तुम ये अभी तुम्हें कहेगा छलांग लगा दो तो लगा दोगे, नहीं लगाओगे ना, कब से इन कामों में? सर ये उस दिन ही किया, मैं नहीं करता ऐसे काम। अच्छा, ये तो उस दिन ही इसने किया ऐसे काम, तो इसके साथ इसने लाया हमें। तुम्हें शर्म नहीं आई उस वक्त? बेचारा चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, तुम्हें अपना भाई वह समझता है, हाँ कह रहा होगा खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, इतने गंदे और घटिया इंसान हो तुम सब, उस वक्त कोई तरस नहीं आया तुम सबको? सर ये कर रहे थे, मैं नीचे था, आपको बता रहा हूँ, कर रहे थे, तुमने भी तो ज्यादा किया ना सर, मैंने एक बार भी आए थे ना, तुम एक बार की थे तो मैं वो बॉडी को उठा के ले गया था, इस बकाया इसने की थी, इसको सब पता सर, ये झूठ मार रहा नीचे, पहले ये उसमें दफ्तर में मान गया था कि मैंने किया, अब ऊपर आके इनकार कर रहा है, नीचे भी माना है, ये नीचे माना था सर, वो सर के पास कहता मैंने किया सर जी, नहीं माना, मैं यही कह रहा हूँ जब से मुझे पकड़ के लेके आए, यानी कि मैं खुद जो तुम्हारी, तुम कौन हो, तुम्हारी कोई पुलिस के साथ कोई दुश्मनी है, पुलिस तुम्हारे पीछे है, कोई मामला चल रहे हैं, तुम क्या बहुत बड़ी शख्सियत हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, पुलिस तुम्हें जबरदस्ती ले आएगी? नहीं नहीं, क्यों लेके आएगी? नहीं, मैं खुद काम पे से जो उनसे ना घर पे 8 बजे चला गया। अच्छा, 8 बजे घर पे आए तुम अपने काम से? हाँ जी। और आए तो तुम्हें क्या पता चला? घर में जो उनसे ना मेरे मुलाजिम बैठे हुए थे दो। अच्छा, तो मेरी वालदा ने कहा जुनसन ऐसे ऐसे जुनसन, वो साथ वाले लड़के जुनसन। और काम पे गए कब थे? मैं सुबह निकला था 9:30 बजे। 9:30 बजे निकले थे, या ये सारी वारदात करने के बाद काम पे चले गए थे? नहीं, मैं जुनसन काम पे चला गया था। अच्छा, जाके देख सकते हैं जहाँ जून जून जिस कैमरे से मैं गुजरा हूँ ना, आप वीडियो देख सकते हैं। शातिर मुलजिम खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है या फिर हकीकत कुछ और है? नन्हे मुलजिम ने हर राज फाश कर दिया, जाए वकुआ पर मिले कौन कौन से शवाहिद। अच्छा, हम नाज़रीन आपको मौका दिखाते हैं, ये वो मुलजिम का घर है और गालिबन ये कमरा भी है, हमारे साथ एसपी साहब मौजूद हैं, हम तस्दीक करेंगे, इसी कमरे में उस बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के साथ उस फूल को मसला गया, ये मैट्रेस भी मौजूद हैं, अभी भी कुछ कपड़े यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, चूँकि मुलजिम यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता था, तो यहाँ पे इस बच्चे के साथ ज्यादती की गई और गालिबन यहीं पे उसे कत्ल किया गया। एसपी साहब, ये वो कमरा वही है जहाँ पे ज्यादती की गई थी, दोनों मुलजिमान यहाँ पे उस बच्चे को ले गए थे और कत्ल भी यहाँ पे किया गया था? जी, कत्ल भी यहीं पे किया। अच्छा, और उसके बाद फिर डेड बॉडी कहाँ पे फेंकी गई थी? ये साथ आपको वो भी ये साथ वाला ये आपको विजिट करता था, ठीक है। इस जगह के ऊपर जैसे आपने देखा कि बाहर से एक रास्ता है, गली से बाहर रास्ता है, बिल्कुल ठीक है। जो कम उम्र को एक्यूज था उसने यहाँ से गली से जाते हुए बच्चे को बुलाया। अच्छा, इसी रास्ते के थ्रू वो उसको यहाँ लेकर आया, यहाँ पे मेन मुलजिम, और उन्होंने उसके साथ इज्तिमाई तौर पर सोडमी की, उसके बाद यहीं पे उसका मर्डर किया और फिर यहाँ से डेड बॉडी को मुंतकिल किया। यही वो जगह है जहाँ नन्हे बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया गया। पुलिस की हिरासत में मुलजिमान खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कम उम्र मुलजिम हर राज कर रहा है फाश। तुम्हारे सामने अगर इसने मारा है तो मुझे बताओ कैसे मारा, पहले गला दबाया था? जी सर, ये हाँ जी ऐसे मार रहा था, गले से पकड़ के, गले से पकड़ के, और वो जो शीशा है, टूटा हुआ शीशा था, उसके वार कर रहा था? जी सर, इसके हाथ में था शीशा, था हाथ में था, या तुम्हारे सामने वार किए इसने, मारे हैं गले पे? मारे हैं इसने, मारे हैं गले पे? जी सर। और उस दौरान तुम्हारे हाथ पे लगा? जी सर, मेरा। फिर तुमने उसके बाद पुलिस को जाके नीचे बताया सारा? झूठ क्यों बोला, अगर तुम इसमें मुलविस नहीं थे, तुम्हें तो चाहिए था, तुम कह रहे मोहल्ले से चेक कर ले, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ सर, वो तो तुम्हें जाके नीचे बताना चाहिए था ना उसके बाप को। मैं सर नीचे दुकान छुट्टी की थी 2 दिन, मैं सोया हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं जो है ना एकदम से जब ऊपर गया तो ये इसने बच्चे को पकड़ा। वो तो हो गया, उसके बाद जाके तुमने उसके बाप, बच्चे के बाप को क्यों नहीं बताया कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों ने किया? सर डर गए थे, तो क्या डर गए थे? बहाना करो नीचे जाके एक्सीडेंट, तुम उस बहाने का हिस्सा क्यों बने? तुमने तो कुछ नहीं किया था ना? जी सर। तुम कह रहे हो मैंने ज्यादती नहीं की, तो तुम उस बहाने का हिस्सा क्यों बने? तुम क्यों डर गए? तुमने तो कुछ किया ही नहीं था, झूठ बोल रहे हो ना? नहीं सर, झूठ नहीं मैं बोल रहा सर, इस बात का उस बच्चे के बाप को ही पता है, मैंने उसे बताया भी था। हाँ, तो उसका यार ही ऐसी ऐसी बातें करता है। उसका बाप कह रहा है कि तुम शामिल हो उसमें, उसी का बाप कह रहा है, अदनान कह रहा है कि तुमने किया? मैंने नहीं किया। तुम्हें पता मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है, PFSA की रिपोर्ट आ जानी है, लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है, तो उसमें पता चल जाएगा तुम जो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा झूठ 1 मिनट में सामने आ जाना है, तुम कैमरे के सामने, तुम पुलिस अफसरान के सामने झूठ बोलते रहो,
इनकार करते रहो, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ सामने आ जाना। फिर हैरत है, तीन मुलजिमान में से दो मुलजिमान खुद को बेगुनाह करार दे रहे हैं, जबकि उनका साथी दोनों को जिम्मेदार ठहराता है। पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है, हकायक सामने आना बाकी है। जो बेगुनाह होगा वो आजाद हो जाएगा, जो गुनाहगार होगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। कमसिन बच्चे के कत्ल के बाद बाप कर रहा है कौन सा मुतालिबा? आपका इनके साथ में दोनों खानदानों का कोई लेन देन का कोई मामला तो नहीं चल रहा था? किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा कोई तनाजा कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं सर, पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा, कुछ भी नहीं ऐसा। अब आप चाहते हैं कि तीनों भाई, दो भाइयों को और एक बाप को सख्त से सख्त सजा मिले? सजाए मौत यहाँ पे होनी चाहिए हमारी आंखों के सामने, मोहल्ले के सामने, ताकि बच्चे भी देखें कि जो ऐसे लोग हैं उनके साथ ये हुआ है, और लोगों को भी पता लगे कि ऐसा दोबारा नहीं करना। कोई और भी किसी के जहन में चलता हो तो उसको भी ये चीज की नसीहत हो। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी हमारे कानून में पाबंदियां हैं, रोक टोक है, लेकिन जाहिर है जिस बाप के साथ ये बीती होती है, जिन घर वालों के साथ बीती होती है, उनके यकीनन जज्बात यही होती है। बाप मुलजिमान को सख्त सजा दिलवाना चाहता है, इन जिंसी दरिंदों को पुलिस भी सजा दिलवाना चाहती है। सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चे जिंसी दरिंदगी से महफूज रहें? देखिए, बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान एक ऐसा ट्रस्ट लेवल होना चाहिए कि बच्चे को अगर कोई भी बुरी निगाह से देख रहा है या उसको अप्रोच कर रहा है, उसको ल्योर कर रहा है उसको किसी तरीके से, तो पेरेंट्स को वो फौरी तौर पे इतला दे। अगर हम इस केस की बात करते हैं जो ग्रीन टाउन के अंदर हुआ था, बच्चा घर से निकलता है, पब्लिक प्लेस के ऊपर बच्चे को कोई अननोन बंदा बगैर किसी सिग्नल या उसके अगवा कर ले, ऐसा ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यूजुअली ऐसा होता है कोई मोहल्लेदार किसी ना किसी तरीके से बहला फुसला वरगला के उसको कहीं लेकर प्राइवेट स्पेस में जाएगा, फिर उसके साथ एक्ट कमिट करेगा, जैसा कि इस केस में हुआ। तो अगर हम बच्चों के साथ एक ऐसा ट्रस्ट रिलेशन रखें कि अगर कोई आपको किसी के घर बुला रहा है अपने घर, तो वो पहले परमिशन लें अपने पेरेंट्स के साथ। हम बच्चों को अनअटेंडेड कम से कम छोड़ें, उनको एजुकेट करें कि अगर आपके साथ कोई इस तरह आपको कोई चीज़ देने के बहाने या किसी तरह या कुछ कर रहा है तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, और उनके अंदर ये करेज पैदा करें कि करेज टू से नो, कि आप उनको कह सकें। ये तब होगा जब पेरेंट्स के साथ उनका एक रिलेशनशिप जो है वो एक ट्रस्ट का होगा। अगर उनको यही डर होगा कि हम घर बताएंगे तो उल्टा डांट ही पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि चलो यार उधर चले जाएं। अली को इन सब बातों का पता होता तो वो यकीनन वहाँ उसकी बातों में ना आता, वो सीधा अपने घर जाता, घर जाके अपने बाप को बताता और शायद उसकी जान बच जाती। ये दुरुस्त है कि वालदैन को बच्चों के साथ दोस्ती करना होगी, उनको एतमाद देना होगा, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज सिखाना होगी, ताकि बच्चा उनसे हर बात कर सके, और कोई गलत निगाह भी डाले तो बच्चा अपने वालदैन को बता सके। वालदैन की जरा सी तवज्जो इन बच्चों की जिंदगियों को महफूज बना सकती है। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।